अच्छे होंगे, जैसे कि बैनर देख के आपको पता ही चल गया है और टाइटल भी देख के पता चल गया है कि आज अनिरुद्ध का बर्थडे है। यस, अनिरुद्ध का आज बर्थडे है और इस 7 बर्थडे, राइट अनिरुद्ध? दैट इज अनिरुद्ध। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू बॉल। थैंक्स। गुड कॉमर। थैंक यू बॉल। थैंक्स। तो अभी ये नहा वहा लिया है, अभी जस्ट खीर वीर खिलाए ना रे। सुबह से बहुत प्रिपरेशन हो रहा है क्योंकि हम लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे उसका बर्थडे पार्क में, राइट? तो सुबह से कुछ कुछ जो चीजें बनानी थी बनाना हो गया है और अभी बज रहे हैं 9:30-10, तो अभी रेडी होने जा रहे हैं क्योंकि हम लोग आफ्टरनून के टाइम में सेलिब्रेट करेंगे। और कुछ कुछ जो खाना है वो मैंने बना लिया है, जैसे नूडल्स, चिकन चिल्ली, ये सब जो है कि दो चीज जो हम लोग घर से बना के लेके जा रहे हैं, बाकी जो है बाहर से आने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आप मेरे छोटे से अनिरुद्ध को खूब खूब सारा ब्लेसिंग दीजिएगा, राइट? तो अभी जल्दी से मैं भी रेडी हो जाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा हड़बड़ी में हूँ और वहां पे पार्क में जाके अच्छा से जो टेबल है सेटअप कर लूँ, उसके बाद ही आप लोगों से बात करती हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी नहीं करने से बहुत लेट हो जाएगा, राइट? सो ये रहा, मैं रेडी हो गई हूँ और ये ड्रेस पहना है। यूजुअली हम लोगों ने जो अपना फैमिली में है ना ब्लैक कलर रखा है, जो कि उज्जवल बच्चे भी ब्लैक कलर का ही पहनने वाले हैं। तो ये बस रेडी हो गई हूँ और कुछ देर में ही निकलना है। जो टाइम सोचा था उससे थोड़ा सा लेट ही चल रहे हैं, बट दैट्स ओके। और अनिरुद्ध भी रेडी हो गया है, उसके पापा गए हैं, थोड़ा सा निकले हैं, कुछ काम था, तो बस अभी भी आ जाएगा, उसके पापा भी आ जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे पिज़्ज़ा को पिकअप करके हम लोग पार्क की तरफ चल जाएंगे। बहुत एक्साइटमेंट भी लगता है, बट जब आपके यहाँ पे पार्टी होती है ना तो बहुत टेंशन भी रहता है कि लगता है कि किस तरीके से पार्टी अच्छे तरीके से पार हो जाए। मुझे तो ये लगता है, आप लोग बताइएगा कि आप लोग को भी ये फीलिंग आती है कि नहीं। और लोग आने वाले रहते हैं ना तो थोड़ा ज़्यादा ही टेंशन रहता है कि अच्छी तरीके से होस्ट कर पाऊँ। होस्टिंग करना मतलब मुझे लगता है कि ठीक से होस्टिंग करूँ, सब अच्छे से पार हो जाए, यही गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है। बट हाँ, मुझे पता है अच्छी तरीके से पार हो जाएगा। सो बस थोड़ा सा घर तो बिखर गया है क्योंकि अभी निकलना है। तो ये आउटफिट आपको कैसा लगा? सिंपली आउटफिट है, कैसा लगा बताइएगा। फाइनली हम लोग यहाँ पे पार्क में आ गए हैं और आपको दिख ही रहा होगा ये लोकेशन। हम लोगों ने थोड़ा सा सेटअप किया है ये टेबल और इधर भी है, इधर भी एक टेबल है। तो जो जो जरी का सामान है सब लेके आ गए हैं। तो अभी थोड़ा सा विंडी हो रहा है बट ठीक है, और जितना हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। और फ्रेंड्स भी आ जाएंगे कुछ देर में, उज्जवल गए हैं खाना पिक करने के लिए। ये देखिए, Oh,
पार्टी में खाने के साथ साथ हम लोगों ने कुछ गेम भी सोच के रखा था। तो बच्चों का खाना खाने के बाद हम लोगों ने सोचा कि हम लोग म्यूज़िकल चेयर करते हैं, बहुत मज़ा आता है। और बस हम लोग बच्चों को म्यूज़िकल चेयर खेलने के लिए लेके आए, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो बहुत ही फन मस्ती से ये जो बर्थडे पार्टी है पार हो रहा था। बच्चों को खेलने के बाद सब बड़े भी बोले कि हम लोग एक बार जेंट्स और एक बार लेडीज़ लोगों का स्टार्ट करते हैं म्यूज़िकल चेयर, बहुत मज़ा आएगा। तो सच बोलूँ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि इस बर्थडे पार्टी में अगर बच्चों के साथ बड़े भी इंजॉय करते हैं ना, तो बहुत फन, बहुत मस्ती आता है। तो हम लोगों ने भी वही किया और बड़ों के साथ हम लोग बच्चे लोग भी म्यूज़िकल चेयर किए और बहुत फन मस्ती में ऐसे जो टाइम है बहुत अच्छी तरीके से पार हुआ।
गेम खेला जिसे कहते हैं पिनाटा। इसमें ये जो आपको हॉर्स जैसा दिख रहा है ना, इसमें बहुत सारे चॉकलेट भरे हुए रहते हैं और आपको ब्लाइंड फोल्ड बांध दिया जाता है और आपको निशाना लगा के इसमें मारना रहता है और जब ये टूटेगा तो इससे बहुत सारे चॉकलेट्स निकलते हैं। तो ये एक फन गेम रहता है जो कि बर्थडे पार्टी में यहाँ पे सेलिब्रेट होता है। तो बच्चे एक एक करके ट्राई कर रहे थे और फिर जब ये लास्ट में नहीं टूटा तो फिर हम लोगों ने सोचा एक बार जिसका बच्चा ट्राई नहीं किया, छोटा है तो उसको एक बार टर्न देते हैं। तो फिर उसके बाद फिर मज़ा मस्ती करके तोड़ा जाएगा। तो वही ये वाला फन एक्टिविटी जो बच्चों को बहुत अच्छा लगा वो ये कर रहे थे। सो ये सब सारे जो बर्थडे गिफ्ट है उन लोगों को मिल गया और बहुत बच्चे खुश हो गए ये गिफ्ट देख के। और मेन जो पार्ट है वो है खोलना। तो अभी तो हम लोग मंदिर जाएंगे, उसके बाद फिर मंदिर से आके गिफ्ट खोलेंगे। और हम लोगों ने ये जो ऑरेंज पैकेट है ना वो अनिरुद्ध के लिए गिफ्ट लिया था। उसके लिए हम लोगों ने स्कूटर लिया है जो कि बहुत ही लाइटिंग वाला स्कूटर है और वो अपने चॉइस से ही लिया है। तो उसके पापा ने बोला कि चलो इसे खोल के दिखाओ और अगर हो सकता है तो रात में एक बार चला के भी दिखाना। तो वो स्कूटर उसे बहुत अच्छा लगा और सारे गिफ्ट भी बहुत सारे अच्छे लगे हैं। तो बहुत वो खुश है, एक एक करके सब खोलने वाला है। तो बहुत सुपर सुपर एक्साइटेड है गिफ्ट को लेके। और कुछ टी शर्ट्स भी मिले तो वो एक एक करके ट्राई कर रहा है, देख के बहुत ज़्यादा खुश है सबके गिफ्ट्स। तो बस यही रहा हमारा छोटा मोटा एक बर्थडे सेलिब्रेशन जो कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर। तो शाम को हम लोग आ गए बर्थडे पार्टी से और बहुत मजा आया बर्थडे पार्टी। एक्चुअली बर्थडे पार्टी क्या होता है ना, सब साथ मिलके अगर मनाते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। और अनिरुद्ध को कैसा लगा आज बर्थडे? ग्रेट बर्थडे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और थकान तो हो ही जाता है लेकिन बहुत मस्ती किया हम लोगों ने बच्चों के साथ। हम लोगों ने भी बहुत गेम खेले तो काइंड ऑफ बहुत मस्ती फन वाला बर्थडे था। और अभी जस्ट 8 बजने जा रहा है, 8:30 बज रहा है। हम लोग मंदिर से घूम के आए क्योंकि मैं बोलती हूँ ना हर बार ही मैं खीर बनाती हूँ और मंदिर तो जाना ही रहता है। तो अभी क्या करें, अभी खोलेंगे गिफ्ट्स, राइट?
अभी हम लोग गिफ्ट्स खोलेंगे, बहुत सारे गिफ्ट्स आए हैं तो काफी मजा किए। और व्हाट डू यू वांट टू से? नथिंग। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा किए और होप करती हूँ कि आप ही मेरे साथ ये वीडियो एंजॉय किया होगा। तो चलिए तब एंड करते हैं वीडियो, सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। यस लाइक। यस सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट बिलो। ओके बाय बाय बाय, हैव अ गुड नाइट।